सो हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है रिवा और आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कहानी। तो कहानी में बहुत मजा आने वाला है, चलो शुरू करते हैं। मैं बोर हो चुकी हूँ इस सोफे और बिस्तर मिक्सिट से। वेल, इसका नाम बता दूँ, इसका नाम है मधुर और इसके पास में एक बिस्तर है जो सोफे जैसा लगता है और इसके पास में अपने घर को सजाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, इतना बड़ा घर जो आधा किराए पर है लेकिन कुछ भी नहीं है उसमें। ओह, ऐसा कैसे हो सकता है? वेल, मंदिर जाने का वक्त हो गया है। ओ भगवान जी, प्लीज मैं जो चाहूँ इतने पैसे मेरे को दे दीजिए प्लीज। ऐसा कह के मधुर वहाँ से चली गई और ये भी उसने कहा कि अगर उसका कुछ गलत इस्तेमाल हुआ और वो घमंडी हुई तो आप उससे ले लीजिएगा। तभी मधुर का फोन आता है। हेलो जी, हाँ मैं ही मधुर हूँ। क्या मैं जीत गई लॉटरी? एक कॉलर की जीती है? जी हाँ, एक कॉलर की जीती है जो अभी विनर्स अनाउंस नहीं हुए हैं और अगर आप दोनों को आधे आधे पैसे दीजिए हैं और अगर आप जीत गई तो उस लड़की से पैसे ले लीजिए जाएंगे और अगर वो जीत गई तो आपसे पैसे ले लीजिए जाएंगे। तो हाँ, आप लॉटरी जीत गई हैं लेकिन फाइनल नहीं आपका। वाहू! और अगर आपने वो पैसे खर्च नहीं करे तो आप वो पैसों को वापस लौटा सकते हैं अगर आप हार गए, या फिर आप अगर ने खर्च कर लिया तो आपको खुद के मेहनत से कमा के हमें देने पड़ेंगे। ओके, आइडिया, मैं ना एक साथी ले लेती हूँ। टिंग! ओ, कितनी प्यारी किटी है और इसका नाम रखूँगी मैं किटी। मैं बहुत लोन थी बहुत दिनों से। चलो ड्राइंग रूम बनाते हैं। वाओ, ड्राइंग रूम तो बन गया। अच्छा, अब किचन की बात। वाओ, किचन भी बन गया। अच्छा, मैं ना काम कर करके थक चुकी हूँ, क्यों ना एक मेड लगा दूँ। हेलो गीत। हेलो मैम मधुर। अरे, मैं सोफे पे क्या कर रही हूँ? मेरे को तो जाकर किचन में होना चाहिए, वहाँ पर काम होगा। थोड़े दिन बाद मधुर आलसी होने लग गई और घमंडी थी। और एक दिन म्याऊं, जैसी ओनर बनती गई वैसे ही किटी भी बनती गई और किटी ने गीत का काम बढ़ा दिया। अरे किटी, नहीं ना मधुर। सूख गई मेरे पैर दबाते दबाते, जाओ किचन में काम है। जी मैम। म्याऊं, किटी ने बहुत काम बढ़ा दिया, इसे वापस ठीक करना पड़ेगा। हो गया है ना किटी? म्याओ। अरे नहीं किटी, तुमने तो मेरा और काम बढ़ा दिया। ओह हाँ, मुझे उठना पड़ेगा। व्हाट, देखती हूँ उसका काम कैसे हुआ। मैं जानती हूँ मेरे को निराशी ना हो। हाँ, तुम्हारी फीस कट, पर मैम किसी ने सब खराब करा। तुम्हारी फीस बंद, पर मैम। अब किसका फोन है? लॉटरी टिकट वाले का फोन। मैं ही जीती होंगी ऑफ कोर्स। हेलो, आप हार चुकी हैं। मैं जीत गई। व्हाट? मैं वादा करती हूँ अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ और मैं घमंडी हो गई तो आप मुझसे पैसे वापस ले लीजिएगा। ओके, बाय बाय। गीत, मैं तुम्हारे लिए काम करूँगी और ये पूरा घर तुम्हारा। क्या सच में दीदी? जी हाँ। और किटी, तुम गीत के कामों में नहीं टांग रहोगी। म्याऊ। और ना ही की पूछ। म्याऊ। और मैं तो बिल्कुल नहीं। म्याऊ। अगर
मैं घमंडी ना होती तो अब तक मेरे को ये काम नहीं करना पड़ता, लेकिन अब मैं खुद से पैसे कमाऊंगी। वेट वेट वेट, किधर जा रहे हो? इस कहानी से आपको शिक्षा मिली, कभी भी घमंडी नहीं होना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना रेवा फन, और शेयर कर देना, और इस वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। बाय बाय।